अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही मज़े की और बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी, जिसका उन्वान है प्यासा कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते कौवा एक दरख्त पर जाकर बैठ गया। फिर अचानक से उसे एक घड़ा नज़र आया। कौवा घड़े से पानी पीना चाहता था, लेकिन घड़े में पानी कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इतने में ही उसको पास पड़े कुछ कंकर नज़र आए। उसे एक तरकीब सूझी और कौवा वहां से उड़ा। उसने कंकर उठाए और घड़े में डालना शुरू कर दिए। तो कुछ कंकर डालने के बाद उसे महसूस हुआ कि पानी ऊपर आ रहा है। तो फिर कौवे ने बारी बारी बहुत से कंकर घड़े में डाले और इस तरह से पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर कर पानी पिया, खुश हुआ और उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरत इजाद की माँ है।